11th क्वेश्चन, स्ट्रीमर गोज डाउन स्ट्रीम इन अ रिवर कवर अ डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स इन 50 आवर्स, डाउन स्ट्रीम का। अपस्ट्रीम में सेम डिस्टेंस 20 आवर में, क्योंकि दो टाउन है ना, अगर वो मान लो बेटा ए से बी पे जा रहा है तो एक जाएगा आएगा, तो डिस्टेंस दोनों केसेस में हमारा क्या है, सेम। और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। मैं इसी पे इक्वेशन बनाऊंगी क्योंकि डिस्टेंस सेम है। अब यहाँ का टाइम दिया हुआ है और स्पीड स्ट्रीम की दे रखी है, स्पीड जो है वो स्टीम की दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर। तो आपको पता है डाउन स्ट्रीम में जो हम टोटल स्पीड लेते हैं, इसमें बोट की स्ट्रीम को हम एक्स कर लेते हैं, ठीक है ना, स्ट्रीमर की स्पीड जो है वो हमारी एक्स हो गई, ये लिख लेना, लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीमर भी एक्स किलोमीटर पर आवर, जो यहाँ है किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ आ गई एक्स प्लस थ्री और अपस्ट्रीम में आ गई एक्स माइनस थ्री, ये वाटर के साथ वाटर की डायरेक्शन में, ये वाटर से अपोजिट डायरेक्शन। अब जाने का डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम, आने का डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम, इक्वल है ये। इसको सॉल्व करके आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब ये आपके जाने का है टाइम डिस्टेंस या आने का डिस्टेंस है, दोनों सेम है, तो आप एक्स की जगह यहाँ वैल्यू पुट कर दो, चाहे इसमें पुट कर दो चाहे इसमें पुट कर दो, सॉल्व कर दो, आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा। नेक्स्ट आपका 12th क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स इज 300 किलोमीटर, दोनों के बीच का डिस्टेंस आपका 300 किलोमीटर है। दो कार्स साइमल्टेनियसली स्टार्ट करती हैं, यानी एक कार ए पॉइंट से स्टार्ट करती है और एक कार बी से चलती है, देखो ठीक है, टूवर्ड्स ईच अदर, तो एक दूसरे के यहाँ चलती है। देखो अब इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या है, चाहे ये कार इतना डिस्टेंस मूव करे या इतना मूव करे, दोनों का मिला के डिस्टेंस तो 300 होगा, चाहे ए इतना मूव कर ले बी इतना मूव कर ले, दोनों का डिस्टेंस तो 300 होगा, तभी वो जाके मिलेंगी। तो यहाँ पे भी वही कह रहा है, स्पीड ऑफ द वन कार इज मोर देन अदर बाय 7। अब ए की स्पीड मान लो x किलोमीटर पर आर है, बी की क्या हो गई x प्लस 7 किलोमीटर पर आर। अच्छा अब 7 हो गया, अब वो कह रहा है डिस्टेंस कार का, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कार्स, फाइंड द स्पीड ऑफ द कार। अच्छा दोनों कार का डिस्टेंस 2 घंटे के बाद 34 किलोमीटर है, समझे। अब देखो ये कार यहाँ से चली, मान लो इसने 2 घंटे में इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, दूसरी कार यहाँ से चली इसने 2 घंटे में इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, और बाकी दोनों कार 34 किलोमीटर एक दूसरे से दूर थी, तो यानी दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 300 किलोमीटर। तो फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का, स्पीड इंटू टाइम, तो पहले वाले की स्पीड x टाइम 2x, फिर ये 34, फिर इसकी स्पीड x प्लस 7 टाइम 2 आवर्स, टोटल डिस्टेंस हो गया आपका 300।